नमस्कार, मैं स्वाति, एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। लांजी के ग्राम कलपात्री से एक साथ तीन बच्चे हुए गायब, पुलिस ने गुमशुदा बच्चों की तलाशी करने हेतु चालू की जोर शोर से कार्यवाही। लांजी तहसील अंतर्गत ग्राम कलपात्री, जहां पर तीन बच्चे गायब होने की पूरी क्षेत्र भर में खबर फैलने से बच्चों को ढूंढने के लिए काफी प्रयास किए जा रहे हैं। जानकारी अनुसार ग्राम कलपात्री से दसवीं कक्षा की बालिका अंजलि, पिता झनक चौके उम्र 10 वर्ष तथा आठवीं कक्षा का छात्र खुरेंद्र, पिता चमन चौके एवं देवराज, पिता गणपत चौके, तीनों ही बच्चे एक ही परिवार से है और एक ही गांव के रहवासी हैं। यह बच्चे दिनांक 14 फरवरी के सुबह ग्राम कलपात्री से पाथर गांव स्कूल जाने के लिए घर से निकले और वापस घर नहीं पहुंचे। जब बच्चे घर नहीं पहुंचे तो उनके माता पिता उन्हें ढूंढने लगे और देर शाम तक घूमते रहे। पता नहीं चलने पर बच्चों के माता पिता के द्वारा लांजी थाना पहुंचकर लांजी थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी को सारी बात बताई। उसके बाद लांजी थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी के द्वारा अपने दल बल के साथ बच्चों का पता लगाने हेतु पूरी तैयारियां चालू कर दी, परंतु आज दिनांक 15 फरवरी तक बच्चों का कुछ पता नहीं चल पाया है, जिसको देखते हुए लांजी थाना प्रभारी दिनेश सोलंकी के द्वारा क्षेत्र के चारों ओर मैसेज के दौरान सभी से अपील की गई है कि गुमशुदा बच्चे जहां भी दिखे तो इन नंबरों पर तत्काल संपर्क कर जानकारी बताएं। गुमशुदा बच्चों का पता चलने पर इन नंबरों पर सूचित करें 7587605582, 7999412916। गुमशुदा बच्चों का पता चलने पर इन नंबरों पर सूचित करें। एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। बने रहिए हमारे साथ एमपीसीजी 24 न्यूज एक्सप्रेस में। तब तक के लिए नमस्कार।